नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ ही बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन शनिवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और पुनर्वसु नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो व्याघात नाम का शुभ योग शाम के 4:49 रहेगा, उसके उपरांत ही हर्षण नाम का योग प्रारंभ होंगे। राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 9:12 से लेकर सुबह के 10:52 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मिथुन राशि को प्रांत कर्क राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, यदि आप यह समझते हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई करने से लोग तुम्हें भला मान लेंगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लोगों का मिजाज समझ नहीं आया। दोस्तों, जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वो कुछ नहीं कहते, पर जब हमेशा न करते हैं तो कहते हैं कि आप तो बदल गए। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरे के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। अक्सर लोग झूठी प्रशंसा के मोह जाल में फंसकर खुद को बर्बाद तो कर लेते हैं, पर आलोचना सुनकर खुद को संभालना भूल जाते हैं। कोई कहे ये तेरा है, कोई कहे ये मेरा है, कोई कहता है जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन हकीकत में न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है, ये दुनिया एक रैन बसेरा है। दोस्तों, नो कर फिक्र कि जमाना क्या सोचेगा, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत नहीं है। लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, पर लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा अनुभव कराया। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का यशमी निवारण होगा। काफी समय बाद मित्रों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होने से भी सभी लोग खुश और उमंग महसूस करेंगे। आपको बता दें कि यश में रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से आपको राहत भी प्राप्त होगा। और इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, बच्चों के साथ ज़्यादा जो है रोक टोक ना करें, इससे उनके आत्मबल तथा कार्य क्षमता में कमी आएगी। ध्यान रखें कि आपकी कोई नकारात्मक बात किसी प्रिय मित्र से जो है नाराजगी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यश में किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों का चयन जरूर करें या फिर अपने वाणी पर संयम जरूर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए शुभ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके सहयोग की परीक्षा हो सकती है। आपको बता दें कि किसी को दिया हुआ उधार पैसा भी यश में आपको वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त पर ना मिलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, समय उत्तम है अपनी क्षमताओं को करियर, अध्यात्म और धर्म के प्रगति में अच्छी तरह इस्तेमाल करने में आप सक्षम भी रहेंगे। अपनी संवेदनशीलता समाज में आपको इज्जत प्रदान भी करने वाली है। सांस्कारिक कार्यों में आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से कार्यों को संपन्न भी कर पाएंगे। साथ ही कभी कभी अकारण ही किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आने पर घर का माहौल भी बिगड़ सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। अपनी इस कमी में सुधार लाने की जरूरी होगी। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत की अपेक्षा कुछ परिणाम कम मिल सकते हैं, परंतु धैर्य बनाकर रखना यश में आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इसमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, इस समय आपके लिए शुभ होंगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घटी हुई घटना की वजह से आपको पछतावा हो सकता है, इस कारण वर्तमान में काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें इसकी वजह से आपके द्वारा नई समस्या भी खड़ी हो सकती है। खुद को माफ करके आगे बढ़ने की इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये आपके वर्तमान परिस्थिति के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके साथ दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही भागदौड़ी से राहत पाने के लिए आपको प्रकृति के निकट भी कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण में रहने से
आपको नई ऊर्जा और स्फूर्ति की भी अनुभूति होने वाली है। आपको बता दें कि कलात्मक और रचनात्मक कार्यों संबंधी अपनी रुचियों को जागृत करने का उचित समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना आपके लिए जरूरी होगा। उनकी गतिविधियों तथा संगति पर आपको नजर रखना चाहिए। अपनी किसी परेशानियों में नजदीकी मित्र के साथ विचार विमर्श करने से आपको अवश्य ही कोई उचित परिणाम भी मिलेगा या फिर उचित समस्या का हल भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय आपको बता दें कि दोस्तों करीबी व्यक्ति द्वारा आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको जो है प्रश्न करना चाहिए। ये प्रयत्न आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल आपको व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रह स्थितियां भी आपको सचेत कर रही है कि वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। बेकार के कार्यों में समय को नष्ट ना करें। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के विवाह संबंधी बात भी यश में चल सकती है। आपको बता दें कि दूसरों पर विश्वास अधिक विश्वास करना और उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, तो इन बातों पर यश में आपको गौर करना चाहिए। इनसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती के कारण अपने करियर संबंधी कोई नुकसान भी कर सकते हैं और दोस्तों यश में किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन रही है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से इसमें आपको बचना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए इसमें होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्या कम होने लगेंगी, फिर भी आपकी लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका भी नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों अभी वर्तमान परिस्थिति की वजह से व्यापार में कोई नया काम व फिर योजना कामयाब नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम जैसी स्थिति बन रही है, परंतु यह समय आपको धैर्य रखकर समय को व्यतीत करना चाहिए। शीघ्र ही परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी और आपको अच्छी सफलता भी प्रदान करने वाली है। बशर्ते दोस्तों यश में भी आपको धैर्य का दामन रखते हुए आपको आगे मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अपने कार्यों पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अधिक से अधिक ऑर्डर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई भी विशेष कार्यभार आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में सफलतादायक समय भी रह सकता है अगर आप मेहनत करेंगे, तभी आपके कार्यभार की रफ्तार भी इसमें बढ़ेगी मेहनत करने के बाद ही। दोस्तों सभी कार्य इसमें आपके मेहनत करने के बाद ही होंगी, तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग ना करें, इनका सदुपयोग करें। ये आपके करियर के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों भूल से भी भूल ना करें। प्रयास करने से रुका हुआ पेशा भी इसमें आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। कोई राजकीय बाधा भी इसमें दूर होंगी। दोस्तों अपने टैक्स संबंधी हिसाब किताब को जो है पारदर्शी रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ कर बात करें, तो दोस्तों दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मंगेतर से किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुठाव इसमें आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए इसमें होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी तथा नजदीकी मित्रों से मेलजोल दिन को और अधिक खुशनुमा बना देगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें घर में उचित व्यवस्था तथा सामंजस्य भी बना रहेगा तथा आपसी संबंध भी यश में मधुर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अंत में आपके जो है लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी के बीच पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ नोक झोंक भी रह सकती है। युवाओं की मित्रता प्रेम संबंधों में इसमें परिणित हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें अत्यधिक सर्दी का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। खांसी जुकाम जैसी परेशानी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए सुन होंगे, आपको बता दें कि थकान की वजह से माइग्रेन अथवा सर्वाइकल का दर्द भी उठ सकता है। एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन पर आपको इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। डायबिटीज लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें तथा रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते रहें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप सावधानियों को बरतेंगे तो आपका अंत में स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।